नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्ट्रीम में। दोस्तों ये सेशन वीकली करंट अफेयर का है, जिसमें आपका 1 फरवरी से 8 फरवरी के बीच के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बन गया। तो दोस्तों दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है, दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश तो ये चीन है। दोस्तों चीन जो है दोस्तों सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश दूसरे नंबर का दोस्तों है। नेक्स्ट आपका आज का दूसरा क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक पुस्तक रिलेटलेस का विमोचन किया, यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो यशवंत सिन्हा जी की। नेक्स्ट आपका है, किस शब्द को 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में नामित किया गया। तो संविधान को उसमें लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आपदा राहत प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया। तो वनीला ऑपरेशन को प्रारंभ किया दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फरीदाबाद में किया गया। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने किस रेलवे के साथ पिकअप कियोस्क की साझेदारी की। तो पूर्वी रेलवे। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता। तो रानी रामपाल। नेक्स्ट आपका है, विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली महिला फुटबॉलर का नाम क्या है। तो क्रिस्टीन सिंक्लेयर। भारतीय वायुसेना ने अपने किस विमान में स्वदेशी जैव ईंधन का उपयोग किया। तो AN-32 में किया। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस राज्य में 2020 के राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये आपका गोवा। नेक्स्ट आपका, बजट 2020 में केंद्र सरकार ने किस सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचने का फैसला किया। तो LIC कंपनी का। नेक्स्ट आपका है, किस देश ने सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो प्रतिस्पर्धा के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो नेपाल। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने कार्यकारी निदेशक पद से किस व्यक्ति को मौद्रिक नीति समेत MPS के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो जनक राज को। संप्रीति भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है। तो ये बांग्लादेश के और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र किस राज्य में स्थापित है। तो तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना में जो है विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो 16वें संस्करण का दोस्तों। नेक्स्ट आपका दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और किस कंपनी ने लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित अफवाहों से बचने के लिए SOS अलर्ट फीचर लॉन्च किया। तो गूगल दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन को हरी झंडी दी। तो आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट आपका, किस कंपनी ने भारत को समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन का अनुदान की घोषणा की। तो ये भी आपका गूगल दोस्तों।
नेक्स्ट आज का 20वां क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किस राज्य में 357 शहीद जवानों की स्मृति में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका नागालैंड में। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में IRCTC द्वारा तीसरी निजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो वाराणसी से इंदौर। दोस्तों तेईसवां क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन अमेरिका के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली 18वीं खिलाड़ी बनी? तो सोफिया केनिन। नेक्स्ट आपका दोस्तों है, पहली बार भारत और कौन से देश की रक्षा कॉन्क्लेव को डेफेकॉक्सी 2020 में आयोजित किया जाएगा? तो भारत और अफ्रीका के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किसने घोषणा की कि यह कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन तैयार कर रहा है? तो इसरो ने। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्टॉक फोर्स का गठन किया? तो भारत ने दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में सबसे आगे रहा? तो मध्य प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, हाल ही में ब्रेस्ट फीडिंग नीति और कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में प्रथम स्थान हासिल किया? तो श्रीलंका ने हासिल किया दोस्तों। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किसने पुरुष ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। आज का 30वां क्वेश्चन दोस्तों है, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने किसके खिलाफ व्यापक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की? तो CAA, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, हाल ही में किस देश की सेना और नौसेना का माल्टा सुरक्षा अभियान शुरू हुआ? तो भारत। नेक्स्ट आपका, किस लेखक की पुस्तक ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो विनोद शुक्ला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालदीव राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? तो ये आपका बना 54th नंबर का बना दोस्तों। नेक्स्ट आपका 34वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की? तो ये भूटान ने किया दोस्तों। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना? तो द बैंकर। नेक्स्ट आज का 36वां नंबर आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान शुरू किया? तो राजस्थान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया? दोस्तों इसका नाम जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ रखा गया। नेक्स्ट आज का 38वां क्वेश्चन दोस्तों है, भारत और किस राज्य ने एडू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो मालदीव। नेक्स्ट आपका है, ICC टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में सबसे एक नंबर पर कौन है? तो विराट कोहली दोस्तों हैं। नेक्स्ट आपका है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया? तो केरल सरकार ने। नेक्स्ट आज का 41वां क्वेश्चन है, चीन के बाहर प्रथम कोरोना वायरस से मृत्यु किस देश में हुई? तो फिलीपींस में हुई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग के मामले में किस वेट लिफ्टर को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया? तो ये दोस्तों जो है
आपका रामसाद को निलंबित कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका है आईसीएआर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने किस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एक नया टीका विकसित किया, तो स्वाइन फीवर, स्वाइन फीवर। नेक्स्ट आपका है निम्न में से किस देश में 80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार की खोज की, तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट आपका हाल ही में हाल ने किस देश के साथ सशस्त्र यूए वर्सेस निर्माण के लिए समझौता किया, तो इजराइल, इजराइल। नेक्स्ट आपका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में नए बंदरगाह पोर्ट बनाने के लिए मंजूरी दी, तो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में किस देश ने टिड्डी दल से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, तो इसमें पाकिस्तान और सोमालिया दोनों दोस्त जो हैं टिड्डी दल से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। नेक्स्ट आपका है भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी महोत्सव अंतः प्रज्ञा 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया, तो तेलंगाना। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस राज्य में जनसेवक योजना की शुरुआत की गई, तो कर्नाटका राज्य में। नेक्स्ट आपका आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने सप्ताह में ग्राम न्यायालय को स्थापित करने के निर्देश दिए, तो ये 4 सप्ताह को। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें और रेड कलर के बटन को प्रेस करें और घंटे को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।